आप सभी का नीलम भारती किचन में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ बैंगन की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक बैंगन ले लिए हैं। अब इस बैंगन को हम काट करके अच्छी तरह से वाश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे काट करके अच्छी तरह से वाश कर लिए हैं। तो अब चलिए इसमें हम मसाला मिलाएंगे। 3 चम्मच बेसन, 2 चम्मच लहसुन पेस्ट, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। यहाँ पर हम एक बॉल ले लिए हैं। अब इस बॉल में हम सभी कटे हुए बैंगन को डाल देंगे। तो अब हम इसमें मसाला मिला देंगे, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर, लहसुन पेस्ट, बेसन, और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को अच्छी तरह से मिला लिए। अब चलिए हम गैस पर पैन चढ़ा के इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे गैस पे एक पैन चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हम तेल ज़रूरत अनुसार डाल देंगे। और इसे हम गरम कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे तेल गरम कर लिए हैं। तो हम अब इसमें मसाला से लपेटे हुए बैंगन को डालेंगे। हमने इसमें बैंगन डाल दिए हैं। अब इसे हम ढक्कन से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गया है। तो अब हम ढक्कन हटा करके देख लेंगे और इसे हम पलट देंगे। हमने इसे पलट दिए, फिर दोबारा हम ढक्कन से ढक देंगे। यहाँ पर फिर हम ढक्कन हटा करके देख लेंगे। इसे हम थोड़ा और क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो अब ये क्रिस्पी हो गया है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर दोबारा इसी तरह करके सभी को सेक लेंगे। तो यहाँ पर सभी को सेक करके हम निकाल लिए। अब हमारा ये बैंगन का फ्राई बनके रेडी है। आपको ये बैंगन की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।